हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे बॉटम अप पार्सिंग की। ठीक है, आई होप इससे पहले आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो आप अपनी तरफ से अगर एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि टॉप डाउन पार्सिंग जैसे LL1 था, जब आप उसकी शॉर्टकट की जो 4-5 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की जब प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको जो है ज़्यादा उसकी टेबल बनाने की मतलब बड़ी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फटाक से जो है देखते ही बता पाओगे कि LL1 पार्सिंग है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बॉटम अप पार्सिंग की। तो बॉटम अप पार्सिंग को जो है आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहते हो। ठीक है, इट इज, अब क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। शिफ्ट और रिड्यूस क्या कहाँ हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। ठीक है, तो इसको जो है हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं। इसके साथ ही देखो, इसमें जो है इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं, वहां पर तो आपकी एक ही टाइप थी LL1। यहाँ पर देखो, एक होता है आपका यहाँ पर LR 0। ठीक है, और ये जो 0 है ये आपका क्या है, लुक अहेड। क्या है, लुक अहेड। ठीक है, इसके को भी आप क्या कहोगे, लुक अहेड। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये हमारे इसमें क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं, आइटम। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ी सी टर्म्स अजीब लग रही होंगी, लेकिन अभी हम डिटेलिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा के क्या है, लुक अहेड, और ये यहाँ पर मैंने के की वैल्यू को क्या ले लिया, 0। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले एक तो आपका LR 0 पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे SLR। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे LR 1, जिसको आप CLR भी कहते हो। ठीक है, तो LR 1 को आप CLR भी कहते हो, और सेकेंड है आपका LALR। तो ये सारा जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि LR 0 क्या होता है, SLR क्या होता है, LR 1 क्या होता है, LALR क्या होता है, और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है पार्स ट्री मतलब जनरेट करेंगे, किस तरीके से हमारी ग्रामर बनेंगे, किस तरीके से हम बताएंगे कि जो आपकी पर्टिकुलर ग्रामर है वो LR है या नहीं है, SLR है, क्या है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कहते हैं, ये बहुत अच्छे से देख लेना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा थ्योरी लिखो, फिर जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, LR 0 आइटम सेट। ठीक है, तो जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास एक ग्रामर है जिसमें मैंने लिया A और B। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑगमेंटेड ग्रामर। कैसे लिखेंगे, A' इज इक्वल टू डॉट A। समझ में आया। ठीक है, और देखो ये जो डॉट है ना, अगर ये टर्मिनल के आगे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनल के आगे आ जाता है तो ए से रिलेटेड जितनी भी मतलब उस नॉन टर्मिनल से रिलेटेड जितनी भी आपकी आगे रूल्स निकल रहे हैं, सबके आगे आप क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। जैसे यहाँ ए से रिलेटेड क्या निकल रहा है, ये तो ए से डॉट ए और डॉट बी। समझ में आया, समझ में आया भाई। मतलब अगर ये डॉट टर्मिनल के आगे आता है तो इट्स मीन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनल के आगे आता है तो उस नॉन टर्मिनल से जितनी भी आपकी जो रूल्स हैं, जितने भी प्रोडक्शंस हैं, उन सभी के आगे आप क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी क्या बन गई, एक स्टेट बन गई। ठीक है, एक स्टेट बन गई जिसको आप I 0 कहते हो, इसको आप आइटम कहते हो। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि ये डॉट क्यों लगा दिया मैडम ने। अब यहाँ पे समझो, बॉटम अप पार्सिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले हम जो है लीफ, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको उससे हम स्टार्ट करते हैं। देन हम कहाँ पर आते हैं, रूट पे। यही समझाया था मैंने आपको। ठीक है, और टॉप डाउन में हमने क्या किया था, टॉप से स्टार्ट किया था, यानी कि जो आपका स्टार्ट आइटम था वहाँ से स्टार्ट किया था, और जो बिल्कुल जो लास्ट था वहाँ तक जो है हम आते थे। ठीक है, टॉप टू बिल्कुल बॉटम। और यहाँ पे हम क्या है, ये आपका बिल्कुल अपोजिट है किसका भाई, टॉप डाउन पार्सिंग का। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे तो नहीं पता ना कि ऊपर क्या है। तो यानी कि ये डॉट ये बताता है कि भाई मैंने जो है अभी तक A को नहीं देखा। समझ में आया, मैंने जो है अभी तक A को नहीं देखा। अब मैंने लिखा डॉट ए ए, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी स्मॉल ए को नहीं देखा है। जब ये डॉट आपका इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है कि भाई मैंने स्मॉल ए को तो देख लिया मैंने, लेकिन कैपिटल ए को अभी नहीं देखा है। समझ में आया? क्योंकि बॉटम में हम नीचे से स्टार्ट करें, हमें नहीं पता कि ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाई ये देखने के लिए कि मैंने कितना रीड कर लिया है, कौन सी चीज़ मैंने नहीं देखी है, उसके लिए जो है हम ये डॉट लगाते हैं। समझ में आया? अब यहाँ से पता चल रहा है कि मैंने ए को देख लिया, मैंने कैपिटल ए को नहीं देखा, फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगाया, यानी कि मैंने दोनों देख लिए। समझ में आया? और फिर ये बी है, मैंने अभी तक बी को नहीं देखा और बी के पीछे डॉट लगा दूंगी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने बी को देख लिया है। समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आ गया। और ऐसे ही अगर ये ए जो है वो आपका क्या है, डॉट बी, यानी कि ये जो स्टेट है ये आपकी शिफ्ट वाली स्टेट है। कौन सी स्टेट है? शिफ्ट वाली, क्योंकि डॉट को हमें आगे शिफ्ट करना है। समझ में आया? क्योंकि भाई अभी मैंने जो है बी को नहीं देखा है। उसके बाद जो है इस डॉट को अगर मैं इसके पीछे लगा दूंगी, इट्स मीन ये जो है ये आपका रिड्यूस फेस है। कौन सा फेस है? रिड्यूस, कि भाई मैं अब जो है बी को देख चुकी हूँ और इसमें आगे कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो है बॉटम अप पार्सिंग को आप क्या बोलते हो? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हो। समझ में आया भाई? डॉट अगर बिल्कुल आपका स्टार्टिंग में है तो आप उसको कहोगे शिफ्ट फेज, है ना। अगर देखो ये वाला डॉट जो है यहाँ पर है तो ये भी आपका कौन सा फेज होगा? शिफ्ट। ये भी आपका कौन सा फेज होगा? शिफ्ट। लेकिन ये वाला फेज ये जैसे ही लास्ट में आ गया आप इसको क्या बोलोगे? रिड्यूस फेज। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया भाई? अब कुछ पॉइंट्स लिखो यहाँ पर इसी से रिलेटेड। सबसे पहला है टेक ऑगमेंटेड ग्रामर विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर जी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लेंगे? इफ देयर इज डॉट ऑपरेटर, अगर जो है आपका डॉट ऑपरेटर नॉन टर्मिनल से पहले है। वैसे मैं ये सब आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहें। ठीक है, इफ देयर इज डॉट ऑपरेटर बिफोर एनी नॉन टर्मिनल देन ऑल प्रोडक्शन रूल ऑफ दैट नॉन टर्मिनल, मतलब नॉन टर्मिनल से जितने भी प्रोडक्शन रूल निकल रहे हैं उनके आगे हम क्या फिट कर देंगे? डॉट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? ये हम पढ़ चुके हैं। देखो ऑगमेंटेड ग्रामर में हमने क्या किया? ऑगमेंटेड यानी कि जो आपका उसके ए डैश से हमने स्टार्ट किया, है ना। हमारा क्या था? हमारे पास ग्रामर क्या थी? हमारे पास ग्रामर थी ए ए ए बी। हमने ऑगमेंटेड ग्रामर ली ए डैश, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया? इस ए के आगे डॉट लगा दिया। और जैसे ये डॉट जो है अगर आपका नॉन टर्मिनल से आगे आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्शन रूल हैं नॉन टर्मिनल से, उसके आगे आप क्या फिट कर दोगे? डॉट लगा दोगे। तो हमने क्या किया था फिर? ए डॉट बी, यही किया था। ठीक है, आगे देखो ऑलवेज टेक सेपरेट ट्रांजिशन फॉर ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? एक सेपरेट ट्रांजिशन लेंगे एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो हर एक उसके लिए जो है, देखो अब यहां से देखो ये मेरा A1 इज इक्वल टू डॉट ए बना, ठीक है, और फिर ए डॉट डॉट बी। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? I0 आइटम। ठीक है, अब एक स्टेट ये बन गई। अब इसने बोला है कि हर एक ट्रांजिशन, हर एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के लिए हम अलग ट्रांजिशन लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये A से गया और ये A डैश जो है वो आपका क्या बना रहा है? A डॉट, क्योंकि अब डॉट यहाँ था तो आगे डॉट कहाँ चला जाएगा? इसके पीछे चला जाएगा। यानी कि ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट आ गई आपकी? ये कौन सी स्टेट आ गई? रिड्यूस वाली हो गई ना। मैंने कहा था कि अगर पीछे आ जाता है बिल्कुल लास्ट में तो वो वाली स्टेट आपकी कौन सी होती है? रिड्यूस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ए से मैं गई तो ये वाला जो है कहाँ पे आ जाएगा आपका? ये डॉट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? ए डॉट ए यहाँ आ जाएगा, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो ये डॉट ए यहाँ आ गया है, इसका मतलब अब देखो नॉन टर्मिनल से आगे डॉट आया है, इसका मतलब ए से जितने भी ग्रामर है वो आपकी यहाँ पर क्या है, उसके आगे डॉट लग जाएगा, यानी कि डॉट ए डॉट बी, है ना। और बी से क्या जाएगा, बी से जाएगा आपका ए डॉट बी डॉट, ठीक है। तो ये वाली स्टेट आपकी कौन सी होगी, रिड्यूस वाली। ये वाली स्टेट आपकी कौन सी होगी, शिफ्ट वाली। तो ये I0, ये I1, ये I2, ये I3, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अब देखो फिर से ए से जाएगा, फिर से ए से जाएगा, तो यही वाली स्टेट आएगी। तो मैंने ए से गया तो सेम जो है मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, लूप लगा दिया, ठीक है। अब देखो कैपिटल ए से जाएंगे, कैपिटल ए से हम गए तो हमें क्या मिलेगा, ए, देखो ए डॉट, यही मिला, ठीक है। तो ये वाली आपकी स्टेट कौन सी हो गई, I4, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो ये वाली स्टेट भी आपकी कौन सी है, रिड्यूस। ये वाली स्टेट भी आपकी, ये वाली शिफ्ट है, ये रिड्यूस है, ये वाली आपकी जो है यहाँ पर, ये वाली भी आपकी क्या है, शिफ्ट है, और ये वाली आपकी क्या है, एक तरीके से फाइनल यानी कि रिड्यूस है। तो इस तरीके से देखो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें आपका जो है शिफ्ट और रिड्यूस साथ में आ रहा हो। यहाँ पर कोई भी स्टेट आपकी ऐसी नहीं है जिसमें आपका शिफ्ट और रिड्यूस साथ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपका LR 0 है। कम समझ में आया होगा, अब मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। देखो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो गए, बिल्कुल याद हो गए होंगे क्योंकि मैं ये आपको कई बार बता चुकी हूँ। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, आपके पास है ये, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो ग्रामर है आपकी LR0 है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर लेंगे, ठीक है। मैंने ले ली डॉट ए, इसके आगे लगा दिया। अब देखो नॉन टर्मिनल के आगे डॉट है, यानी कि उससे जितनी भी आपकी प्रोडक्शन निकल रही है सभी के आगे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो लगा दो ए डॉट ए, ठीक है। तो ये वाली मेरी एक स्टेट हो गई I0। अब मैंने कहा था कि जो आपके ऑगमेंटेड ग्रामर है उसके लिए एक सेपरेट जो है वो क्या होगा, एक सेपरेट आइटम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए से हम गए क्योंकि ए से ही जाएंगे क्योंकि ए का ही तो हम कर रहे हैं, तो ए डैश ए डॉट। तो ये वाली स्टेट आपकी कौन सी हुई, रिड्यूस, ठीक है। पॉइंट पीछे आ जाए तो रिड्यूस, समझ में आया। और ये हम पॉइंट क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो इस ए से आप गए, स्मॉल ए से आप गए तो देखो आपको क्या मिलेगा, ए से गए ए डॉट ए, यही मिला, ठीक है। और ए डॉट भी, ए से जाएंगे तो इस ए का भी तो चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपका जो है अब नॉन टर्मिनल के आगे डॉट आ गया, इट्स मीन भाई इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होंगे उन सभी के आगे आएगा। अगेन जो है आपका क्या आ जाएगा, डॉट ए डॉट ए, यही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगेन आप ए पे जाओगे तो सेम आपको जो है सेम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या कर देंगे, लूप लगा देंगे, ठीक है। अगर आप अलग से भी बना के देखोगे तो देखो, अलग से मैं बना के दिखाऊँ आपको, तो देखो इस ए के लिए मैं यहाँ जाऊँगी तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट, है ना। अगेन इसके आगे आ गया तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ए, है ना। तो भाई सेम यही चीज आ रही है, सेम रिपीट हो रही है, तो भाई अलग से लिख के मैं क्या करूंगी, सेम इसी के ऊपर लूप लगा दूंगी, समझ में आया। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर क्या लगा दिया, लूप लगा दिया, ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो अब किसके लिए, अब देखो इस कैपिटल ए के लिए, तो कैपिटल ए के लिए करो, कैपिटल ए के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए लास्ट में आ गया, है ना। तो कितने बने, ये आपका I0, ये I1, ये आपकी I2 और ये आपकी I3, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी नोट किया है तो आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ये वाली एक स्टेट ये है, एक स्टेट आपकी ये है, एक स्टेट आपकी ये, एक स्टेट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कौन सी शिफ्ट स्टेट में है, ए डॉट बीच में है तो शिफ्ट है, आगे डॉट है तो शिफ्ट में है, आगे डॉट है तो शिफ्ट में, तो कौन सी स्टेट है, शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है सेकेंड वाली स्टेट में आपका जो डॉट है वो क्या है, ए के पीछे है, यानी कि ये वाली स्टेट कौन सी हो जाएगी, रिड्यूस, और यहाँ पर आप एक चीज़ देख चुके हो कि भाई आपकी जो स्टेट है वो शिफ्ट और रिड्यूस क्या है, साथ में है। इट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगी, क्योंकि भाई एक ही टेबल में जो है हम शिफ्ट और रिड्यूस डालेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और ये जो है हम जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। अब मैं टेबल बनाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया। देखो अब मैं टेबल बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देन मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। ये मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है। ये वाला आपका एक्शन पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला आपका गो टू होता है। तो एक्शन में जो आपके स्मॉल जो लेटर होते हैं वो आते हैं, तो आपका क्या है, एक ए ही है, और डॉलर तो हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, ठीक है। और गो टू में आपका कौन है, कैपिटल, कैपिटल वाले आते हैं गो टू में, तो कौन है, ए है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कितनी स्टेट है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगी, I0, I1, I2 और I3, ये स्टेट है भाई आपकी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आगे देखो आगे क्या हो रहा है। अब देखो मैं आई जीरो से कहाँ पे गई, या I0 था, I0 से मैं कहाँ पे गई, I2 पे, और किसके लिए, A के लिए। I0 से मैं कहाँ पे गई, A के लिए कहाँ पे गई, I2 पे, तो A के लिए I2 पे गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद और I0 से कहाँ पे जा रहे हैं, I0 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, I1 पे, और ये वाली स्टेट आपकी कौन सी है, रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, गो टू वाला पार्ट है, इसलिए जो है I1 पे गए हैं, तो इसका जो 1 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो I1 है वो आपकी रिड्यूस यानी कि एक्सेप्ट स्टेट है, मतलब यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है डॉलर वाले में I1 पे हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट। तो हमेशा जो ये वाला जो ऑक्यूमेंटेड वाला जो पार्ट है, जहाँ पर भी होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट लिखते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, डॉलर के नीचे, ठीक है, क्लियर है भाई, ओके। आगे देखो फिर जो है I2 से मैं कहाँ पे गई, ये आपकी I2 थी, ठीक है। A के लिए मैं कहाँ पे गई, अगेन A जो है I2 पे ही गई। भाई मैंने कहा कि अलग ना बना के सेम, अगर सेम चीज ड्राइव हो रही है तो हम जो है लूप लगा लेते हैं। तो I2 से मैं A के लिए कहाँ पर गई, इसी के ऊपर गई, तो I2, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। रिड्यूस क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट ए डॉट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो डॉट ए ये क्या है आपका, रिड्यूस 1 है, और डॉट ए आपका क्या है, रिड्यूस 2 है। मतलब ये आपका, क्योंकि दो ही चीज़ है यहाँ पे, एक तो ये है R1 और एक आपकी क्या है R2, तो मतलब ये हमारा रिड्यूस, मतलब अगर ये रिड्यूस होगा तो हम इसको R1 लिखेंगे, अगर ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा तो हम इसको R2 लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब जहाँ ये रिड्यूस हो रहा है हम वहाँ पे क्या कर देंगे, रिड्यूस लिख देंगे, ठीक है। सॉरी I1 में मैंने लिख दिया, I2 में आएगा, क्योंकि I2 से हम I2 पे गए ना। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I2 और रिड्यूस 2 और रिड्यूस 2, ठीक है, सब में आ जाएगा। जो रिड्यूस करते हैं वो हम सब में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो मैं I2 से मैं कहाँ पे गई, A के लिए। I2 से मैं A के लिए कहाँ पे गई, 3 में, तो मैं यहाँ पर I2 से मैं कहाँ पे गई, 3 में गई, किसके लिए, A के लिए, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे A के लिए 1 में गए थे, वैसे हम मैंने 1 लिखा था। अब मैंने यहाँ पे 2 के लिए हम कहाँ पे गए, A के लिए कहाँ पे गए, 3 पे, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो I3 में आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, R1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1, ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये देखो, ये आपका LR जो है LR0 पास ट्री हमने बना दिया। क्या बना दिया, LR0 पास ट्री हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो इस सेल में एक ही है, सही है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है आपके I2 वाले A वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो है शिफ्ट भी एक ही कॉलम में और रिड्यूस भी आपका एक ही कॉलम में है, जिसकी वजह से जो है शिफ्ट रिड्यूस क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट और रिड्यूस साथ में नहीं आ सकते, एक ही कॉलम में हम शिफ्ट और रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आ जाते हैं तो आप कहोगे नॉट LR0, कि वो जो आपकी ग्रामर है वो आपकी LR0 नहीं होगी। समझ में आया, वो आपकी ग्रामर LR0 नहीं होगी। समझ में आया, समझ में आया। अगर ये दोनों एक में ही आ जाते हैं तो आप कहोगे जो आपकी ग्रामर है वो LR0 नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। भी किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से जो है ये आई जो आइटम है ये इसी तरीके से है, ताकि हम अलग अलग में जो है सबकी जो है एंट्री करवा सकें। बाकी देखो आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट जो है देख के बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस है, यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस दोनों साथ में है। देखो I2 में शिफ्ट भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट होता तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन भाई एक में ही आपके शिफ्ट भी है और रिड्यूस भी है, इसका मतलब क्या है, एक ही कॉलम में आएंगे। तो इस वजह से जो है आपको, आप जो है अगर टेबल ना भी बनाओ तो आप सिर्फ जो है अगर आप ये भी जनरेट कर दो तो आप जो है स्टेट देख के भी बता सकते हो कि भाई आपकी जो ग्रामर है वो आपकी L0 है या नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है ये आराम से बनाना आ जाएगा। बहुत ही आसान है, विद इन सेकेंड जो है आप इसको बना पाओगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ LR का, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो समझ में आया कि LR0 क्यों नहीं है। इसके आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रामर ली, ग्रामर है AAB। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड प्रोडक्शन है ना। तो यहाँ पे रिड्यूस किसके लिए आएगा, ए, और रिड्यूस्ड किसके लिए आएगा, बी, है ना। तो जहाँ पे ये होगा बी के लिए रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पे R2 आ जाएगा टेबल के अंदर, और यहाँ पे इसके लिए करेंगे तो R1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो ऑगमेंटेड ग्रामर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर लिखो। आप भी साथ के साथ बनाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A' .A, और ये कैपिटल है तो यानी कि जिस जिस के से प्रोडक्शन है सबके आगे डॉट लग जाएगा। तो A.A.B। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या बन गया, स्टेट्स बना रहे हैं। आइटम सेट भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी I0 हो गई, और एक सेपरेट होती है आपकी ऑगमेंटेड वाली, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, ए से गई ए, और ये आपका क्या हो गया, A'A। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल एक तरीके से रिड्यूस स्टेट भी आप कह सकते हो, और एक तरीके से हम इसको एक्सेप्ट भी करवाते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए के लिए जाएगा, ए के लिए जाएगा तो क्या बनेगा, .A। ठीक है, इतना ही बनेगा, क्योंकि B के लिए तो हम अलग से लेंगे ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो A है तो A से जितने भी हैं सब आ जाएंगे, तो .A.B। ठीक है, अब B के लिए B . ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A के लिए करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं A के लिए करूँ तो क्या होगा, B के लिए तो वापस आ जाएगा, है ना। B के लिए तो वापस आ जाएगा, तो B के लिए तो हमें अलग से लेना पड़ेगा, तो ये आ गया। और अगेन A के लिए हम क्या लेंगे, .A.B। ये लिखेंगे ना, समझ में आया। देखो A के लिए, देखो वापस हम A के लिए, स्मॉल A के लिए जाएंगे तो वापस यही वाले स्टेप रिपीट हो जाएंगे। अब इन स्टेप्स को रिपीट ना करके अगर मैं लूप लगा दूं तो एक ही बात है, तो भाई लूप ही लगा देते हैं, क्योंकि एक ही स्टेट को बार बार रिपीट करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैंने लूप लगा दिया, किसके लिए, A के लिए। ठीक है, अब B के लिए जाएगा तो B के लिए ये वाला स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, अब किसके लिए जाएगा, कैपिटल A के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। ठीक है, तो अब देख लो कितनी स्टेट हो गई, I0, I1, I2, I3 और I4। तो टोटल कितने स्टेट हो गई। क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टोटल जो है कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगी, तो आप जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स I0 से लेके I4 दैट इज टोटल 5 स्टेट। ठीक है, अब मैं इसकी अगर यहाँ पर टेबल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी टेबल की बात करूँ, टेबल बनाएं तो कैसे बनेगी। ये वाला एक्शन पार्ट हो जाएगा, ये वाला आपका गो टू हो जाएगा। ठीक है, गो टू में क्या आते हैं, आप कैपिटल आते हैं, कैपिटल में एक ही कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक स्मॉल लेटर बी है और आपका डॉलर तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेट्स I0, I1, I2, I3 और I4। तो ये इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक बार खुद साथ के साथ बना के देखो, आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे I0 से क्या हो रहा है, I0 से I0 पे मैं कहाँ पे गई, एक तो A पे गई और एक B पे गई, है ना, एक A स्टेट पे गई और एक B स्टेट पे गई। तो जिस A वाली स्टेट पे गई उसका क्या नाम है, I3। लिख दो, कलर चेंज कर देती हूँ। तो I0 से A के लिए गई हूँ I3 पे, और I0 से किसके लिए गई हूँ, B पे गई हूँ, कौन सी वाली स्टेट पे, I2 पे। ठीक है, और I0 से हम कहाँ पे गए, I0 से हम कैपिटल A के लिए गए हैं, तो कैपिटल A के लिए कहाँ पे गए, 1 पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब I1 पे देखो, I1 से कहीं जा रहे हो नहीं, I1 से हमें क्या मिल रहा है, एक्सेप्ट, हमारी फाइनल स्टेट मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर डॉलर के नीचे क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद I2 से देखो, I2 से वापस आप कहाँ जा रहे हो, A पे जा रहे हो, स्मॉल A पे जा रहे हो, वापस कहाँ पे, I2 के लिए। तो ठीक है भाई, A के A पे, I2 से आप I2 पे ही चले गए। ठीक है, सॉरी I3 है भैया, I3 है, सॉरी मैंने I2 कर दिया। ये स्टेट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो I3 के लिए हम वापस A के लिए कहाँ पे चले गए, वापस I3 पे चले गए, तो यहाँ पे वापस आपका I3 आ जाएगा। और I3 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, B के लिए I2 पे, तो यहाँ पे आपका I2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेट आपकी क्या है, ये वाली स्टेट रिड्यूस स्टेट है, ये भी आपकी क्या है, रिड्यूस, ये आपकी क्या है, शिफ्ट, और यहाँ पे भी आपकी क्या है, रिड्यूस, यही है। ठीक है, तो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखो, अब इस वाले शिफ्ट में, सॉरी रिड्यूस, I2 पे रिड्यूस हो रहा है, तो B डॉट क्या है आपका, R2 रिड्यूस है, R2 रिड्यूस है, तो भाई I2 में सब जगह क्या डाल दोगे, R2, R2 और R2। ठीक है, उसके बाद देखो I4 पे भी आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस हो रहा है आपका, R1 हो रहा है, R1 और R1। ठीक है, और देखो I3 से आप कैपिटल A के लिए कहाँ पे गए, कैपिटल A के लिए कहाँ पे गए, 4 पे, तो I3 से कहाँ पे गए, 4 पे। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे इस टेबल में देख के आपको लग रहा है कि कोई भी एंट्री आपकी जो है मतलब एक से ज़्यादा है सेल के अंदर, क्या आपको देख के लग रहा है कि कोई भी एंट्री आपकी एक से ज़्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये जो आपकी ग्रामर है ये आपकी कौन सी ग्रामर है भाई, LR 0। ठीक है, तो ये आपकी ग्रामर कौन सी हुई, LR 0। अगर आपसे पूछे कि क्या ये ग्रामर LR है या नहीं, तो जो है आप स्टेट बनाते ही समझ जाओगे। प्लस आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सेट, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा ये कि भाई फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सेट, आइटम सेट का या स्टेट का है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि चेक वेदर ग्रामर LR 0 और नॉट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको लेके यहाँ पर दिखा दिए हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि भाई वहाँ पे जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इसकी वजह से जो है वो वाली जो ग्रामर थी वो आपके LR 0 नहीं थी। सेकंड वाली एग्जाम्पल जो है आपका कहीं से भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, इट्स मीन ये वाली ग्रामर आपकी क्या होगी, LR होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके अब कुछ पॉइंट है, नोट कर लो। सिंस एवरी स्लोट ऑफ LR0 parse table contain unique entry, देखा ना अभी कि भाई हर एक स्लोट में सबकी यूनिक एंट्री थी। जहां पर भी अगर एक से ज्यादा एंट्री हो जाती है वहीं पर जो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। मीन्स नो शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। अगर यूनिक एंट्री है तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? LR0 आपकी ग्रामर होगी। ठीक है, नोट करके जो है कॉलम में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो थ्योरी में से भी, थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है। इसके साथ ही ठीक है, तो अगर जो है, या फिर आप ये लिख सकते हो इफ देयर इज नो SR कन्फ्लिक्ट इन एनी स्टेट, अगर कोई भी SR कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी स्टेट में, देन G क्या होगी आपकी? LR होगी, सॉरी LR होगी। एक सेकेंड भाई, मैं गलत लिख रही हूँ, R को ब्रैकेट में डाल दिया था, सॉरी फिर से LR0 ठीक है होगी। क्लियर है भाई? क्लियर है, आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देन जो है आपका LR को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा SLR उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको जो LR है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है सबसे पहले जो है एक ऑगमेंटेड लेना है, ग्रामर लेना है। मैंने आपको स्टेप में 3 स्टेप बताए थे, अगर आप उनको फॉलो करते हुए चलोगे वह एक एक स्टेप करके आराम से जो है कर पाओगे। ठीक है, ओके क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सारे जो मैं करवा रही हूँ वो नेट और गेट में आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ सब नेट और गेट के ही हैं। जितना करवा रही हूँ, जितने की पॉइंट्स करवा रही हूँ, सब जो है अच्छे से कर लेना। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए है आपके पास, एवरी रेगुलर ग्रामर, suitable for LR0 parsing। एवरी जो आपकी रेगुलर ग्रामर है क्या वो सुटेबल होती है LR0 पार्सिंग के लिए? सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, एवरी रेगुलर ग्रामर इज suitable for LL1। ठीक है, आपको बताना है कि भाई दोनों ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स होंगे, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा या क्या होंगे। ठीक है, तो देखो जो एवरी रेगुलर ग्रामर है, जरूरी नहीं है कि भाई सारी की सारी रेगुलर ग्रामर LR0 के लिए जो है सुटेबल हो। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में। क्या एग्जाम्पल लिया था? ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये क्या, ये रेगुलर ग्रामर है या नहीं? ये रेगुलर ग्रामर है, लेकिन क्या ये LR0 है? क्या ये LR0 है? नहीं है। तो भाई ज़रूरी नहीं है एवरी, देखो यहाँ पे एवरी मेंशन कर दे, इट्स मीन ये है कि जितनी रेगुलर ग्रामर है आप आंख बंद करके कह दोगे कि LR0 होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी आपकी जो रेगुलर ग्रामर है वो आपकी LR होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एवरी लगा दिया, इट्स मीन कि भाई जितनी भी आपकी रेगुलर ग्रामर है वो आप आंख बंद करके कह दो भाई ये रेगुलर ग्रामर, देखते हो गया अरे ये तो रेगुलर ग्रामर है, तो यानी कि आपकी जो है LL1 या ये सब होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बेसिक पॉइंट हैं। अगर यहीं से क्लियर हो गए ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई आपको जो है इन चीज़ों को करने में या समझने में जो है थोड़ा सा भी वो लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे SLR की। किसकी बात करेंगे? SLR की बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट है हमारा SLR, आई होप आपको LR समझ में आ गया। अगर LR समझ में आ गया तो SLR में कुछ भी नहीं है, SLR में कुछ भी नहीं है, अगर LR आपको समझ आ चुका है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्लेस द रिड्यूस प्रोडक्शन एट फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल by which it was derived। क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से, क्या समझ पा रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई देखो, लास्ट वाले जो हमने LR किया था उसमें क्या हो रहा था, आपकी प्रॉब्लम आ रही थी शिफ्ट रिड्यूस में। भाई शिफ्ट और रिड्यूस की स्टेट अगर एक साथ आ रही हैं तो जो है हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हमें क्या हो रही थी, हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपकी प्रोडक्शन मतलब जो वाली स्टेट आपकी रिड्यूस स्टेट में है, मतलब जो भी आप कर रहे हो अगर वो रिड्यूस स्टेट में है तो हम उसको कहाँ पे पुट करेंगे, हम उसको कहाँ पे पुट करेंगे, हम उसका फॉलो करेंगे, हम उसका फॉलो फर्स्ट और फॉलो हमने किया था ना, फर्स्ट एंड फॉलो हमने किया था, तो हम क्या करेंगे उसका फॉलो लेंगे और फॉलो लेके मतलब फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल बाय विच इट वाज ड्राइव्ड, मतलब जिससे वो ड्राइव्ड हुआ है। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो एग्जांपल से समझो, जब करेंगे तब अच्छे से समझ में आएंगे, एग्जाम्पल अच्छे अच्छे। देखो सपोज है आपके पास यहाँ पे ए जो है अल्फा है, ठीक है, ये आपकी आई है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये रिड्यूस स्टेट है तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे इट एट फॉलो ऑफ ए, इसका फॉलो निकालेंगे किसका, ए का। ठीक है, इस तरीके से मतलब जिस जो भी रिड्यूस स्टेट में आ जाएगी उसी का हम क्या कर देंगे, फॉलो निकालेंगे और देखेंगे कि क्या जो है अभी आपके SLR में है या नहीं। तो सीधी सी कहानी यहाँ पर ये आती है कि जो SLR है वो आपका कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी हैं। देखो LR वाली पहली कंडीशन तो यही है कि अगर कोई ग्रामर आपके LR में है तभी वो SLR में होगी, अगर वो LR में ही नहीं है तो SLR में तो मतलब ही नहीं है। समझ में आई है पॉइंट? अगर कोई ग्रामर आपकी LR मतलब LR में अगर जो है प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे शिफ्ट रिड्यूस की प्रॉब्लम आ गई तो हम SLR में चेक करेंगे कि क्या वो SLR है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, बाय इम्पोजिंग some restriction in LR0 we get SLR। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है हम कहाँ पे लगा देते हैं, LR में लगा देते हैं। ठीक है, जब हमारा जो केस आ जाता है, हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, LR में प्रॉब्लम आती है जब हमारा जो है शिफ्ट वाला फेज भी और रिड्यूस वाला फेज भी एक ही कॉलम में आए। ठीक है, मतलब एक ही सेल के अंदर आए तो हम वहाँ पे जो है हमारी शिफ्ट जो है शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए मतलब जब जो हमारी रिड्यूस वाले फेज में जाती है उसका हम क्या लेंगे, फॉलो लेंगे और देन हम चेक करेंगे कि क्या ये SLR है या नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। आगे देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हो जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। ये है आपकी LR0, ये है आपके SLR। ठीक है, सपोज आपकी कोई जो है आइटम है यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, इन दोनों चीज़ को देख के आप क्या बता सकते हो, ये दोनों आपने देखी तो देखो आपने ये वाली चीज़ देखी तो ये कौन सी फेज़ है, रिड्यूस। ये वाला कौन सा फेज़ है, ये वाला कौन सा फेज़ है भाई आपका, शिफ्ट। ये वाला कौन सा फेज़ है, रिड्यूस। और ये वाला कौन सा फेज़ है, शिफ्ट। समझ में आया। देखो अब ये वाला जो है LR0 में हमने टिक में यही पढ़ा था कि भाई अगर रिड्यूस और शिफ्ट एक ही इंडेक्स में या एक ही जो है आपके उसमें आते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई वो आपका SR कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट LR ग्रामर, यही बोलेंगे, यही अभी तक पढ़ा है। LR में हमने यही पढ़ा है ना कि भाई अगर दोनों ही एक ही फेज़ में आ जाते हैं, अगर दोनों एक ही स्टेट में आ जाते हैं तो भैया हम जो है उसको नहीं बोलेंगे कि वो आपकी LR है, ठीक है। अब देखो ये तो आप सीधा सीधा इसको देखते ही बोलोगे SR जो है आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इट्स मीन इट्स नॉट LR0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है कि सपोज जो है आपके पास ये I2 थी, ठीक है, आइटम I2 था आपका, ये स्टेट आपकी B था, B वाले में देखो B वाले में आपका जो है ये वाला फेज भी आ रहा है, देखो I2 वाले में ही आपका जो है R2 भी आ रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है और आपकी जो है इंस्ट्रक्शन I3 भी जा रही है, ठीक है, तो दोनों एक ही सेल में आ गए, तो इट्स मीन ये जो है आपके LR नहीं है। अब इधर देखो इसको, ये B जा रहा है आपका, B जा रहा है, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, A B डॉट, ठीक है, और ये आपका I3 है। अब यहाँ पे जो आपका ये वाला, ये जो आपकी रिड्यूस वाली स्टेट है, रिड्यूस वाली स्टेट को हम कहाँ पे रखेंगे, देखो ये आपका B है, ये आपकी I2 है, I2 से मैं कहाँ गई I3 पे, ठीक है, लेकिन जो रिड्यूस वाली स्टेट है उसको हम कहाँ रखेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, फॉलो निकालेंगे। फॉलो ऑफ A किसके बराबर होगा, फॉलो ऑफ A आपका किसके बराबर होगा, सपोज A के बराबर है, किसके बराबर है, A और डॉलर, ठीक है, इसके बराबर है। तो अब जो आपका फॉलो ऑफ, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मत समझना मैडम A और कहाँ से, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सपोज मैंने फॉलो ऑफ A निकाला और एक जो फॉलो ऑफ A निकालने के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, A डॉट डॉलर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो जो R2 है, R2 को कहाँ पे प्लेस करोगे, अब जो है आपका A वाले में, मतलब ये वाली जो है ये आपकी I2 में तो नहीं, जो B वाला है वहाँ पे तो नहीं डलेगी ना, ये वाली अब कहाँ पे डलेगी, जहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है, जहाँ पे आपका रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वहीं पर, तो जो है मतलब डॉलर वाले में तो हम इसको डालेंगे, समझ में आया, मतलब हम इसको B वाले में नहीं डालेंगे। यहाँ पे LR में क्या हो रहा था, हमने B वाले में ही दोनों को डाल दिया था, यहाँ पे हम जो है जो फॉलो वाला है हम उसके अंदर उसको डालेंगे, समझ में आया। इस वजह से जो है ये आपका SLR ग्रामर है, ये वाली ग्रामर आपकी SLR है लेकिन LR नहीं है, समझ में आ गया, भाई। ओके, शॉर्ट ट्रिक देखो भाई इसकी, इफ फॉलो ऑफ A इंटरसेक्शन, जब फॉलो ऑफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे किसका, नेक्स्ट सिंबल ऑफ शिफ्ट, अगर 5 के बराबर आता है तो आप कहोगे जो आपकी ग्रामर है वो SLR है। क्या बोलोगे कि भाई देखो अगर जो भी स्टेट आपकी रिड्यूस में है तो हम क्या निकालेंगे, उसका फॉलो करेंगे, है ना, फॉलो के साथ जो उसका नेक्स्ट सिंबल है उसके साथ जो है उन दोनों का फॉलो करेंगे, अगर वो 5 के बराबर आता है इट्स मीन आपकी जो ग्रामर है वो SLR है, ठीक है। सपोज जो है आपका यहाँ पर फॉलो ऑफ A आया ये, और जो है नेक्स्ट सिंबल आया आपका B, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया 5 आ गया, इट्स मीन ये जो ग्रामर थी वो आपके SLR थी, ठीक है, क्लियर है भाई। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा SLR के बारे में, SLR, ठीक है, फिर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस के लिए कर सके, कुछ क्वेश्चन दूंगी। तो देखो सपोज आपको यहाँ पर ग्रामर दे रखी है A, ये एक सेकेंड, क्वेश्चन है, ग्रामर है आपके पास, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखो, मैंने जब आपको LR करवाया था तो मैंने स्टार्टिंग में यही वाला क्वेश्चन करवाया था और वहां पर जो है हमारा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से जो ये वाली ग्रामर आपकी जो है LR नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या आपकी SLR भी नहीं है। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा A डैश डॉट A, और A क्या हो जाएगा आपका डॉट A डॉट A, यही हो जाएगा। देन इसके लिए हम कैपिटल A आपका जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे A डैश A डॉट, ठीक है। अब A के लिए क्या करेंगे, A के लिए एक और बना दो, क्या आ जाएगा आपका A से गए A डॉट A डॉट, फिर देखो कैपिटल नॉन टर्मिनल के आगे डॉट है, यानी कि जो इससे जितने भी प्रोडक्शन है उनके सभी के आगे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, लगा दो। ठीक है, अब वापस ए के लिए जाएंगे, सेम रिपीट होगा, इसलिए मैंने क्या किया इसके ऊपर लूप लगा दिया। ठीक है, तो ये आपकी I0 थी, ये आपकी I1 थी, ये आपकी I2 थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैपिटल ए के लिए जाएंगे, कैपिटल ए के लिए गए तो आपका क्या आ गया, ए से गए ए डॉट। ठीक है, तो ये आपकी ये हो गई। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। देखो बार बार मैं आपको ये एग्जांपल करवा चुकी हूँ, बार बार ये मैंने आपको स्टेट भी बना के दिखाई है, तो आपको चीज़ें याद हो गई। क्वेश्चन आ जाए टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, 4। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेट आपकी एक तरीके से जो है रिड्यूस, या फिर हम इसको फाइनल स्टेट भी कहते हैं ना, मतलब एक्सेप्ट, हम डॉलर में लिखते हैं इसको एक्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका फाइनली जो ये ग्रामर है आपकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 1, 3 और 4 क्या है, शिफ्ट, और 2 जो है वो आपके रिड्यूस स्टेट में है। ठीक है, दोनों साथ में है और ये जो है आपकी रिड्यूस है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं किसका क्या करूँगी, अब मैं इस वाली के लिए इसका क्या मैं करूँगी, ये इसका मैं फॉलो निकालूंगी डॉट के लिए। अगर मैं ये डॉट का फॉलो निकालूँ तो किसका फॉलो निकालना पड़ेगा मुझे, ए का फॉलो निकालेंगे तो किसका, इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो फॉलो ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसके साथ नेक्स्ट टर्मिनल सिंबल। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए डॉलर, और इन दोनों का करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये मतलब ये जो ग्रामर है, ये आपकी SLR है, लेकिन नॉट LR। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये ग्रामर आपकी SLR तो है लेकिन LR नहीं है। क्लियर है भाई, कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको, कुछ क्वेश्चन दे दूं, नोट करो। चेक LR0 एंड SLR। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है आपके सामने, सॉरी प्रैक्टिस कर लेना भाई इन क्वेश्चंस की, है ना, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। S बिलोंग टू A, S, B और A। ठीक है, 1। सेकेंड है E+T, T और T = ID। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है B A, A B और B A। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका S से गए AA पे, A से गए AA B B। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका AA, AB, A से गए BA, C और B से गए BB, C। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है भाई, ये नोट डाउन कर लो। और फिर जो है मैं आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन बता देती हूँ एक बार, है ना, ये सभी कैपिटल हैं, फिर एक ही ID है, किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और एक फर्स्ट भी मतलब 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करना। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टेट्स भी बतानी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, और आपको ये भी बताना है कि कौन सी जो है आपकी LR है, कौन सी SLR है, कौन सी दोनों है, कौन सी दोनों नहीं है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, S A S B A यही है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑगमेंटेड ग्रामर लिखोगे, S' डॉट S, तो डॉट S से जितने भी हैं बना दो, .A S B .A है ना। ठीक है, तो ये वाली स्टेट आपकी क्या हो गई, I0। अब ये वाला आपका चला जाएगा किससे, S से, ये आपका क्या हो जाएगा, S डॉट। ठीक है, ये आपकी I1। क्लियर है अभी इतना। अब देखो यहाँ पे A के लिए गया तो क्या आ जाएगा, A डॉट SB और A डॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A डॉट। ठीक है, फिर अब देखो कैपिटल S से पहले आ गया है तो इसका मतलब जो है सेम हम इसको लिखेंगे A डॉट A S B डॉट A, है ना, और वापस A के लिए करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, लूप चला जाएगा A के लिए। ठीक है, तो ये वाली आपकी हो गई I2। अब जो है हम क्या करेंगे, अब बी के लिए करेंगे, बी के लिए करो, इस बी के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा एस ए एस डॉट बी, यही हो जाएगा। तो ये आपकी I3 हो गई। और लास्ट स्टेप में हम किसके लिए आएंगे, सॉरी ये आपका S के लिए होगा, कैपिटल S के लिए जाएंगे ना, कैपिटल S के बाद पॉइंट आएगा तो S के लिए होगा। और अब B के लिए जाएंगे क्योंकि B के पीछे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S A S B डॉट। ठीक है, क्लियर है भाई। तो I0 I1 I2 I3 और ये आपकी I4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, 5 है ना। अब बताओ मुझे कि ये आपका क्या है, LR है SLR है या नहीं है, कोई बताएगा मुझे ये चीज। देखो ये आपका पहला था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था और ये फोर्थ था। ध्यान से देखोगे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो शिफ्ट फेज में है, लेकिन जो सेकंड है वो आपका कौन से फेज में, रिड्यूस में। क्या है, रिड्यूस में। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, SR कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, SR कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट LR। इसलिए जो है ये LR 0 नहीं है। समझ में आया भाई। यहाँ पे जो है आपका कन्फ्लिक्शन हो रहा है, इसलिए जो है ये आपकी LR 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है ये आपकी SLR होगी। ठीक है, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। ई से गए हम E प्लस टी, टी ये थोड़ा इसलिए करवा रहे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ऑगमेंटेड ग्रामर लिखो। तो ई डैश से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, डॉट ई प्लस टी डॉट टी, और डॉट टी से जो भी है उसके आगे भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, डॉट डॉट आई डी। तो ये बन गई आपकी एक स्ट्रीट है ना, तो ये आपकी I0 हो गई। अब इसके लिए जो है ई के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डैश ई डॉट है ना, तो ये आपकी I1 हो गई। क्लियर है अभी इतना। अब देखो ID के लिए जाओगे, ID के लिए गए तो क्या हो जाएगा, E से गए ID डॉट पीछे आ जाएगा, तो ये आपकी आइटम 2। अब देखो अब किसके लिए जाओगे, कैपिटल E के लिए जाओ। कैपिटल E के लिए गए तो क्या आ गया, E डॉट प्लस टी, E डॉट प्लस टी। ठीक है, और क्या आ जाएगा, टी के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी डॉट, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब देखो प्लस के लिए जाओगे तो क्या आ जाएगा, ई प्लस डॉट टी, और टी से हम किस पे जाएंगे, आईडी पे, क्योंकि टी के आगे डॉट आ गया तो भाई इससे नॉन टर्मिनल है, तो उससे जितने भी रिलेटेड हैं वो क्या कहाँ आ जाएंगे, इसमें। ठीक है, अब देखो आईडी के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, और यहाँ पे जो है टी के लिए, इस टी के लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ई डॉट ई प्लस टी डॉट। समझ में आया। तो देखो कितनी स्टेट हो गई, I0 I1 I2 I3 I4 I5 और I6। ठीक है, I6। तो टोटल कितनी स्टेट हो गई, 7। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट आपकी यहाँ पर 7 हो गई है। तो अब मुझे बताओ कोई स्टेट आपकी कन्फ्लिक्शन में है, काउंट करो भाई। देखो ये शिफ्ट, ये शिफ्ट वाला फेज है, ये आपका रिड्यूस वाला है, ये आपका रिड्यूस वाला है, ये आपका शिफ्ट वाला है, ये आपका रिड्यूस वाला है, ये वाला आपका शिफ्ट वाला है, और ये वाला आपका रिड्यूस वाला है। देखो कोई भी शिफ्ट और रिड्यूस एक साथ नहीं है, तो नो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये क्या है, आपकी LR 0 है, तो आपकी SLR भी है। ठीक है, तो SLR भी होगी। तो यानी कि ये जो ग्रामर है ये आपकी LR भी और SLR भी है। ठीक है, तो आइए अब आपको जो बॉटम अप पार्सिंग है उसमें आपको ये जो बेस है आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा कि LR क्या है, SLR क्या है। कुछ क्वेश्चंस हमने किए, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए भी हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 2 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करवा चुकी हूँ। तो भाई अब जो है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा LR1 और जो हमारा LALR है हम उसको स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि हम उनको भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारी LR1। ठीक है, क्या है LR1, जिसको आप CLR भी कहते हो। तो देखो इससे पहले आपका क्या था, LR0 था, और ये जीरो आपका क्या था, लुक अहेड। तो यहाँ पे जो आपका लुक अहेड था वो क्या था, जीरो, और यहाँ पर जो आपका लुक अहेड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वन। समझ में आया ये पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, इस LR1 में क्या होता है, देखो अभी तक हम ऑगमेंटेड ग्रामर लेते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर होगी, क्या होगी, ऑगमेंटेड ग्रामर जो है बाय डिफॉल्ट, ऑगमेंटेड ग्रामर में बाय डिफॉल्ट जो है हम क्या लेंगे, डॉलर जो है आपका होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट जो है डॉलर लेंगे ही लेंगे। समझ में आया कैसे लेंगे, देखो जैसे सपोज मैंने लिया यहाँ पर एस, ये मैंने लिया डॉट एस, और इसके साथ आपका डॉलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ये जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो लिखा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो है हर एक प्रोडक्शन के लिए, मतलब हर एक स्टेप के लिए जो आपको लुक अहेड निकालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पहले वाले के लिए, ऑगमेंटेड के लिए जो है आपका डॉलर होता है, लेकिन इसके आगे वालों के लिए जो है आपको लुक अहेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ए लिया मैंने अल्फा डॉट बी, ठीक है, अल्फा डॉट बी बीटा ए, ये है आपका, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो है आप क्या निकालना चाहते हो, अपना लुक अहेड निकालना चाहते हो, तो किस तरीके से निकालोगे वो देखो। तो सबसे पहला आपका गया S1 जो है वो डॉट एस डॉलर, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट निकालना है किसका, फर्स्ट निकालना है मुझे इसका, फर्स्ट किसका निकालना है भाई, फर्स्ट निकालना है आपको बी और ए, ठीक है, देखो इस ए का, ठीक है, और ये बी, के आगे क्या है अल्फा, और बी के पीछे क्या है बीटा। समझ में आया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो देखो इस बी का और इस ए का मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है, ठीक है। अब मैं इसका फर्स्ट निकालूंगी तो इसके आगे क्या है अल्फा, और इसके पीछे क्या है बीटा, यानी कि इन दोनों, और इसका भी कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इसका जो फर्स्ट है वो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है, नल, और क्या आ जाएगा डॉलर, ठीक है। तो नल तो हम लेंगे नहीं, तो फर्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका डॉलर आ जाएगा। तो यानी कि जो इसके पीछे जो लुक अहेड लगेगा वो क्या लगेगा, डॉलर। समझ में आया। अब देखो मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाती हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक ग्रामर लिया डॉट एस, और इसके बाय डिफॉल्ट जो है उसके नीचे क्या होता है, पीछे डॉलर होता है, ठीक है, एस डॉट सी सी डॉलर, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है इसके साथ, देखो इसके साथ तो डॉलर आया ही आया। अब आप सोच रहे होगे कि इसके साथ डॉलर कैसे आ गया। देखो अब मैंने इसके साथ जो है सी लगाया है ना, अब मैं इसका लुक अहेड निकालूंगी तो देखो ना, इसके आगे अल्फा, इसके पीछे क्या है बीटा, देखो भाई ध्यान से समझना, डॉट सी सी, और जो है आपका क्या आ जाएगा डी, ठीक है। अब देखो इसका डॉलर आया क्योंकि एस के साथ लगा हुआ है। अब देखो अब हम इस स्मॉल सी का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा था, बी था, और जो आपका बीटा था, ठीक है। तो इसके आगे क्या है अल्फा, इसके पीछे क्या है बीटा, अब इसके आगे क्या है, नल, आगे क्या है अल्फा के आगे क्या है नल, मतलब अल्फा की जगह क्या है नल है, और बीटा की जगह क्या है सी, तो फर्स्ट हम किसका निकालेंगे, सी का निकालेंगे। और फर्स्ट ऑफ मैं अगर सी का निकालूं तो सी का फर्स्ट क्या आ जाएगा, सी का फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी सी, और क्या आएगी डी। तो यानी कि इसका जो लुक अहेड आएगा वो क्या आएगा, C बाय डी। समझ में आया, भाई इसका जो लुक अहेड आएगा वो क्या आएगा, C बाय डी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ C निकाल रहे हो, फर्स्ट ऑफ C आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे C, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा D। फर्स्ट ऑफ फॉलो तो आपको निकालने आते हैं ना, ठीक है। अब देखो आगे, इतना समझ में आ गया, फिर से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर ऑगमेंटेड ग्रामर ली, डॉट एस डॉलर बाई डिफॉल्ट आया, ठीक है। फिर मैंने एस लिया डॉट सी सी, और इसका भी लुक अहेड क्या आएगा डॉलर, और फिर जो है मैंने C लिया और डॉट C कैपिटल C और जो है फिर आपका डॉट D और इसका जो लुक अहेड आया वो क्या आया C बाय D। इतना हो गया, हमने इतना कर लिया। अब देखो ये आपका क्या हो गया आइटम I0। अब इसके लिए आपकी क्या होगी अलग ग्रामर, यानी कि S से गया तो ये क्या हो जाएगा आपका S डॉट डॉलर I1 पे गया, ठीक है। अब देखो अब किसके लिए जाएगा, अब किसके लिए जाएगा C के लिए जाएगा, C के लिए जाएगा तो C के लिए कर दो, C के लिए गया तो कैपिटल C, C डॉट कैपिटल C, ठीक है। D तो आएगा नहीं, ठीक है। और इसका जो लुक अहेड है, लुक अहेड क्या होगा आपका C बाय D है ना, तो ये लुक अहेड इसके साथ आएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये हम इतना झंझट कर रहे हैं, लुक अहेड क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, डोंट वरी। आप बस एक बार ये वाले पॉइंट अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर जो है देखो फिर नेक्स्ट में देखो कैपिटल C के आगे यानी कि नॉन टर्मिनल के आगे डॉट आ गया, यानी कि C से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी सारी यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो डॉट C डॉट D और इसका भी लुक हेड क्या आ जाएगा C बाई D, ठीक है। इसका तो लुक हेड C बाई T था ही। अब देखो D से गया, D से गया, D से गया तो ये क्या बन जाएगा C D डॉट C बाई D, है ना। सबके साथ हम लुक हेड लगाएंगे। अब देखो D से जाएगा तो वापस यहीं चला जाएगा और C से जाएगा तो वापस यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो अगर मैं कैपिटल C से जाती हूँ, ये तो स्मॉल C था, मगर मैं कैपिटल C से जाती हूँ तो कैपिटल C से जाएंगे तो क्या बनेगा C डॉट C C बाई D। समझ में आया, ठीक है। अब इसके साथ देखो ये तो स्मॉल C था, ये आपका कैपिटल, लेकिन यहाँ से जो है कैपिटल C से भी तो जाएंगे। देखो इस कैपिटल C से भी तो जाएंगे, तो इस कैपिटल C से हम गए तो हमें क्या मिलेगा S C डॉट C और आपका क्या है डॉलर, ठीक है। फिर जो है अब देखो C के आगे डॉट आ गया तो नॉन टर्मिनल है, इसके आगे डॉट आ गया तो यानी कि C की जितनी भी प्रोडक्शन है उसके आगे क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा। तो डॉट C डॉट D और इसका क्या था डॉलर, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया। अब अगेन कैपिटल C से करो, कैपिटल C से करेंगे तो क्या आ जाएगा C C C डॉट और डॉलर, यही आएगा, ठीक है। आगे देखो अब इस C से अब हम इस C से जाएंगे, स्मॉल C से गए तो क्या बनेगा यहाँ पे डॉलर, C से गए तो C डॉट C डॉट D डॉलर। देखो यहाँ पे C बाई D था, यहाँ पे डॉलर है, तो ये सब अलग अलग है, ठीक है। और फाइनल आपकी क्या बन जाएगी ठीक है। तो ये जो है ये सारी स्टेट्स आपकी यहाँ पर बनी है, तो क्या बने आपका I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8, ठीक है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक D वाली भी आएगी, क्योंकि भाई D वाली के पीछे भी तो डॉलर है ना, तो स्मॉल D से तो आपका क्या आ जाएगा C से D डॉट और डॉलर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टेट 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मतलब क्या है कि भाई हम हर किसी का लुक अहेड निकालेंगे। देखो यहाँ पे C बाई D था, यहाँ पे C बाई D था, यहाँ पे आपका डॉलर है, इस वजह से देखो मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आपके क्या है रिपीटेड है, है ना, रिपीटेड है। लेकिन इससे पहले जो हमने LR जो है 0 किया, SLR किया, उसमें क्या हो रहा था LR0 में और SLR में हम जो है ये लुक अहेड वाला फंडा नहीं कर रहे थे, जिसमें जो है आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी कम थी, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपका जो लुक अहेड की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, स्टेप्स हमारे ज़्यादा हो गए। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्यों हमें जो है ये लुक अहेड की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, ये मैं आपको एक बार डिटेल में डिस्कस करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर हम देखेंगे ठीक है क्यों हम ये सब लुक अहेड वगैरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो LR1 में आपके क्या होते हैं, यहाँ पर जो है आपके आइटम जो सेट्स आए हैं, मतलब टोटल आपकी जो स्टेट बनी है वो कितनी बनी है, I0 से लेके I9 तक यही बनी है। ठीक है, और CLR को ही हम जो है LR1 कह रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो डेफिनेशन देखो एक बार, आफ्टर creating LR1 item set is there is no SR conflict, मतलब यहाँ पर कोई भी जो है आपका SR conflict नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, then grammar is CLR, grammar क्या है आपकी CLR होगी। समझ में आया, समझ में आ गया भाई। देखो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लुक अहेड वाला ही। हाउ टू फाइंड कॉन्फ्लिक्ट, देन हम हमारा जो लास्ट है वो करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, देखो सपोज आपके पास है डॉट ए एस और एक्स डॉट, ठीक है, नेक्स्ट ए में है आपके पास बी डॉट एक्स डॉट, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स है ये क्या है आपका लुक अहेड, क्या है लुक अहेड, ये है आपका। तो ये वाला जो पहले वाला है ये आपका क्या है शिफ्ट, और ये वाला क्या है आपका रिड्यूस। तो देखा जाए तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, देखा जाए तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। और अब हम ए में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही होगा, और एस की जगह जो भी आएगा वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसके टेबल बनाऊं तो आपको क्या मिला, ए है ये आपका लुक अहेड भी यहाँ पे जो है टेबल में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम ए से गए, जब हम ए पे गए, देखो ये हमारा जो है सपोज I1 था, ठीक है, सपोज ये I1 हमारा स्टेप है, मतलब जो आपकी स्टेट है ये आपकी I1 है। ठीक है, अब I1 से जो है देखो मैं ए के लिए कहाँ पे जा रही हूँ, ए के लिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ, इस पे, है ना, क्योंकि शिफ्ट है तो ए के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, I2 पे जाएंगे। तो मैंने ए के लिए क्या लिखा, I2। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, ये आपकी क्या है रिड्यूस स्टेट, बेसिकली आना तो चाहिए था आपका यही, क्योंकि भाई ये एक ही में ही है, लेकिन हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, हम इसको टेबल में रखेंगे लुक अहेड की जगह, प्लेस इट लुक अहेड। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपका कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। भाई अभी तक क्या करते आ रहे थे कि भाई आपका जो है दोनों में जो है अगर यूनिक एंट्री है तभी आपका हो गया LR0 है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कन्फ्लिक्शन हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, पीछे लुक हेड को देखेंगे कि लुक हेड हमारा क्या है, और लुक हेड में ही जो है हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका जो रिड्यूस वाला है, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका एक्स के अंदर, यानी कि लुक अहेड के अंदर आ जाएगा। जिसकी वजह से देखो क्या आपका कन्फ्लिक्शन हुआ, क्या यहाँ पर जो है आपका शिफ्ट और रिड्यूस का कन्फ्लिक्शन हुआ, नहीं हुआ। दैट्स वाई ये वाली जो ग्रामर है आपकी क्या होगी, CLR होगी। समझ में आया, समझ में आया। अगर मैं नॉर्मल इसको करती, अगर मैं इसको नॉर्मल LR से करती, सपोज मैं इसको नॉर्मल LR से करती, ठीक है, या फिर जो है आपका यहाँ पे एक्स ना होके, यहाँ पे आपका एक्स ना होके ए होता, एक्स ना होके ए होता, तो क्या करते, टेबल वही ए, ठीक है, इसके साथ ये आपका एक्स तो है ही। ठीक है, सपोज आपका जो है यहाँ पर ये वाला जो इसका जो लुक अहेड है वो एक्स ना होके ए होता, तो क्या करते, ये आपका I1 प्रोसेस, I1 से जो है ए में कहाँ जा रहे हैं, I2 पे शिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही रिड्यूस भी आपका कहाँ पर हो रहा है, ए के अंदर ही, तो यहाँ पे R2 भी आपका यहीं पर आ जाता, R2 भी आपका कहाँ पर आ जाता, यहीं पर आ जाता। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप इसको जो है CLR नहीं कहोगे। समझ में आ गया, समझ में आया भाई। यहाँ पे जो है आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस वजह से जो आप इसको CLR नहीं कहोगे। पॉइंट क्लियर है भाई, बहुत की पॉइंट्स हैं बिल्कुल, अगर आपने एक बार समझ ले तो माइंड से जाएंगे ही नहीं, सीधी सीधी कहानी है ये। ठीक है, सीधा सीधे मतलब चीज़ें हैं। अगर करने को तो भाई वही है कि भाई आप डिटेलिंग कितनी भी कर लो, लेकिन मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो चीज़ें बता रही हूँ, जो पॉइंट्स नोट में लिखवा रही हूँ, डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, सबका सब इम्पॉर्टेंट। जो नोट में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं डेली लिखवाती हूँ ताकि जो है आप उनको डायरेक्ट अपनी जो है कॉपी में एक प्रॉपर नोट्स की तरह लिखो और ताकि जो है वहीं से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है LR और जो आपका CLR SLR ये सब क्लियर है। लास्ट आपका टॉपिक रहता है बॉटम अप पार्सिंग का, दैट इज LALR। लास्ट है भाई आपका LALR। लास्ट क्या है? LALR। अब LALR क्या है भाई, क्यों हम LALR को यूज कर रहे हैं? तो अगर सपोज आपके पास एक G है दैट इज CLR है ना, देन ओनली अगर वो CLR है तभी आपका जो है आप बोलोगे, तभी आप सोच सकते हो LALR के बारे में। अगर आपकी ग्रामर CLR है तभी आप सोचोगे LALR के बारे में। अगर CLR नहीं है तो LALR तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहले यहीं पे आपका जो है खारिज हो जाएगा अगर CLR नहीं निकला तो। ओनली वी विल थिंक अबाउट LALR। अगर आपकी ग्रामर CLR है तभी आप सोचोगे LALR के बारे में, अदरवाइज नहीं सोचोगे। तो नोट डाल के लिखो, नोट डाल के यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? G is not CLR। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर जो है वो CLR में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कौन सी ग्रामर क्या है। मतलब करने जो एग्जामिनर है वो आपको इस तरीके से घुमा देगा, आप घूम जाओगे। ठीक है, अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप नहीं घूमोगे। इफ G is not CLR, अगर आपकी ग्रामर जो है वो CLR नहीं है तो जो G है, G will never, G आपका जो है वो LALR होगा ही नहीं। अगर आपकी ग्रामर CLR नहीं है तो LALR तो होगा ही नहीं, LALR का तो मतलब ही नहीं उठता। अगर वो CLR नहीं है तो LALR तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो LALR फिर हम यूज़ क्यों करते हैं भाई? जब CLR हो ही रहा है तो हम LALR का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? अब आ जाओ, सबसे अच्छा पॉइंट यही है। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि LALR को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखो, मर्ज सिमिलर स्टेट्स ऑफ CLR टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट्स। LALR का सिर्फ हम यूज ही इसलिए करते हैं कि जो CLR में जो आपके नंबर ऑफ स्टेट्स, अभी तक आपने LR0 पढ़ा, SLR पढ़ा, ठीक है, LR1 में आपकी नंबर ऑफ स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में LR1 में या फिर CLR1 जो CLR है उसमें आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। इसकी वजह से जो है हम क्या यूज़ करेंगे? LALR को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी नंबर ऑफ स्टेट जो CLR में इंक्रीज हो रही हैं, ताकि हम उनको क्या कर सके? रिड्यूस करवा सके, कम करवा सके। ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भी। हम मर्ज करते हैं स्टेट्स को कहाँ पर भाई? LALR के अंदर। ठीक है, जो CLR में आपके नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाती हैं उसमें हम क्या करते हैं? मर्ज करवाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो शिफ्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आपके शिफ्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, हम उनको एक में डाल देते हैं। हमें पता है कि भाई शिफ्ट में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, तो भाई हम उसको एक में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इफ देयर इज नो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई आपका रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देन जो ग्रामर है आपकी क्या होगी? इज LALR। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, ये क्लियर है। अब सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई हम LALR को क्यों यूज कर रहे हैं। समझ में आया कि हम LALR को क्यों यूज कर रहे हैं, और भाई हम जो है ये जो आपका Look-ahead कर रहे हैं ये क्यों यूज कर रहे हैं। ये सब जो सारी कहानी है जो आप कंफ्यूज हो रहे हो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सपोज आपके पास LR0 है, S is equal to .A, A, B, ठीक है, .B is equal to B, B, A, ठीक है, पीछे डॉट, नॉर्मल आगे मैंने डॉट लगा रखा है। ठीक है, अब A जा रहा है आपका नल और B भी जा रहा है आपका नल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ही ध्यान से समझना भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सपोज जो है आप इस ग्रामर से AB को जनरेट करना चाहते हैं, आप जो है AB को जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, किसको जनरेट करना चाहते हैं? मुझे स्ट्रिंग चाहिए AB, मुझे स्ट्रिंग चाहिए क्या, ए बी। अब ए बी को फॉलो, अब ए बी मैं कहाँ से ले सकती हूँ, ए बी मुझे कहाँ से मिल सकती है, इस वाली से, इस वाली पे तो नहीं मिलेगी ना। ए बी मुझे जब मैं ए से, देखो कैसे मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। अब देखो इसको मैंने रख दिया तो यहाँ से स्ट्रिंग आपको क्या मिली, ए बी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो थी टॉप डाउन पार्सिंग, भी टॉप से स्टार्ट किया बॉटम पे ख़त्म कर दिया, लेकिन हम कौन सी पार्सिंग पढ़ रहे हैं, हम कौन सी पार्सिंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बॉटम अप। हम किस में पढ़ रहे हैं, बॉटम अप। अब हम जाएंगे सबसे पहले एक्स साइलेंस में, यानी कि नल पे, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे, नल पे। अब नल पे जाएंगे तो मेरे पास दो रास्ते हैं। अब मैं नल से स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है बी और एक है मेरे पास बी, समझ में आया, एक है मेरे पास ए और एक है मेरे पास बी। अब मैं देखो अगर मैं ए से जाती हूँ एस पे, तो मुझे मेरा जो स्ट्रिंग है जो मैं चाहती हूँ लेना, मतलब जो मैं चाहती हूँ प्रिंट करवाना, वो ए बी जो है मुझे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एप्सिलॉन जो है वो बी को चूज़ कर लेता है, बी को चूज़ कर लेता है, क्या कभी आपको ए बी मिलेगा? अगर आप बी वाली साइड चले जाते हैं तो क्या कभी आपको ए बी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है आप कभी जो है स्टार्ट सिंबल में पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रिंग तो चाहिए ए बी, लेकिन यहाँ से आपको क्या मिलेगी, बी ए। लेकिन आप चाहते क्या हो, ए बी प्रिंट करवाना। तो बॉटम अप पार्सिंग का क्या मतलब है भाई, आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करते हो, तो आपको जो है एप्सिलॉन से स्टार्ट करना है। एप्सिलॉन से आपके पास दो रास्ते हैं, एक ए और एक बी। आपको स्ट्रिंग जो प्रिंट करवानी है वो ए बी करवानी है। तो मुझे आप एक चीज़ बता दो, अगर आपने बी वाला रास्ता चूज़ कर लिया, आपको नहीं पता भाई, हम अपनी ज़िंदगी में देखो, हमें जो है, अब मैं रियल लाइफ की बात करती हूँ, आपको जो है अपना फ्यूचर नहीं पता, आपको अपना भविष्य नहीं पता, तो भाई कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, बहुत बार जो है गलत रास्तों को चुना होगा, है ना भाई। आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है। भाई उस टाइम पे जो हमें ठीक लगता है हम उस रास्ते पे को चूज़ कर लेते हैं, चाहे हमारे घर वाले भी कहेंगे नहीं 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 ये वाला करना है, नहीं हमें जो लगेगा कि नहीं नहीं इसी पे जाना है, आगे जाके चाहे शायद वो हमारा डिसीजन गलत हो या कुछ हो, इस तरीके से जो है हम वहीं पर जो है हम जहाँ जाना चाहते थे हम वहाँ पर नहीं जा पाते, ठीक है, समझ में आया। तो सेम जो है आपका यहाँ पर बॉटम अप में है कि भाई आपके पास दो रास्ते हैं या फिर कई बार तीन भी हो सकते हैं, तो आप किस पे जाओगे। अगर आपने सही चुन लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें क्या होती हैं कि आप हमेशा गलत वाली चीज़ को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। ठोकर लग के ही इंसान सुधरता है, कहते हैं ना। तो अब देखो आपने बी वाला चुना, लेकिन आगे तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको स्ट्रिंग तो चाहिए थी ए बी, लेकिन आप कभी उस ए बी को पहुँच ही नहीं पाओगे, ए बी को कभी ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो समझ में आई ये पूरी कहानी, समझ में आई। अब देखो ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया। अब देखो अगर अब मैं इसके पीछे लुक अहेड लगा दूं, अब मैं इसके पीछे सपोज आपने LR1 लिया, ठीक है, मैं LR0 की बात कर रही थी, अब आप LR1 लिया। LR0 में क्या था आपका जो है, LR0 में हम जो है लुक अहेड नहीं ले रहे थे, लेकिन LR1 में हम लुक अहेड को ले रहे हैं। तो भाई बना दो डॉट एस डॉलर, ले लिया डॉट ए, सॉरी डॉट ए ए बी डॉट बी 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 ए डॉलर, ठीक है। अब देखो ए जो है वो आपका एप्सिलॉन था, ठीक है, या फिर जो है नल था आपका, और इसके साथ जो है आपकी जो आपका लुक अहेड आएगा वो क्या आएगा, ए, ठीक है। बी लिया, नल था, इसके साथ जो आपका लुक अहेड आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा दो, डॉट तो लेंगे ही ना। तो अब देखो यहाँ पे कि भाई आपका जो है आपने लुक अहेड यहाँ पे लगा दिया है, लुक अहेड आपने लगा दिया है। तो अगर आपको देखो आप गए नल पे, ठीक है, आप हो नल पे। अब आपको देखो ए चाहिए, ए वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे, इस ए को चूज़ करोगे, समझ में आया, जहाँ से ए चाहिए, है ना। तो आप कहाँ पे जाओगे, इस वाले को। अगर आपको जो है बी वाली स्ट्रिंग चाहिए तो आप जो है बी वाले पे जाओगे, मतलब यहाँ पे जो है आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आपको पता है कि भाई अगर मुझे स्मॉल ए चाहिए तो मैं ए वाली पे जाऊँगी, ठीक है, ए वाली पे, क्योंकि ए वाली के पीछे मेरा लुक अहेड लिखा हुआ है कि भाई ए मिलेगा मुझे, और बी वाली पे मुझे लिखा हुआ है मुझे बी मिलेगा। तो यानी कि स्ट्रिंग मेरी ए से स्टार्ट है, ए बी, है ना। तो ऑब्वियसली मैं किसको चूज़ करूँगी, ए वाले को चूज़ करूँगी, बी वाले को तो मैं करूँगी ही नहीं, क्योंकि जब मुझे बी चाहिए ही नहीं तो मैं इस पर क्यों जाऊँगी। तो मैं ए से डायरेक्ट एस पे जाऊँगी और ऐसे जो है मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। तो लुक अहेड वाला फंडा आपको समझ में आया कि लुक अहेड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लुक अहेड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो देखो LR0 में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हम चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि बॉटम अप पार्सिंग जो है आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता कि भाई फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या क्या ग्रामर्स हैं, क्या चीज़ें हैं। भाई मुझे तो बॉटम से स्टार्ट करना था, मैंने बॉटम से स्टार्ट किया, देन मैं जो है रूल, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर लुक अहेड लगाते हैं ताकि जो हमें एक प्रॉपर रास्ता चूज़ करने में एक हेल्प मिल जाए, है ना। तभी तो आजकल बहुत सारे कंसल्टेंसी जो बताते हैं कि भाई ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है, आप कौन सी लाइन में जाओ, आगे कौन सा किसका कौन सा फ्यूचर है, क्या चीज़ें नहीं है। लेकिन इससे पहले जो हमारा मतलब जो टाइम था उससे पहले लोगों को नहीं पता होता था, लोग इतने अवेयर होते ही नहीं थे, उन लोगों को पता ही नहीं होता। अरे ट्वेल्थ के बाद जहाँ एडमिशन मिल गया उसमें एडमिशन लिया, जिस कॉलेज में एडमिशन मिल गया उस कॉलेज में एडमिशन लिया और नक्की, है ना। लेकिन आजकल लोग जो है YouTube पे भी ढेरों आपको जो है मिल जाएंगे कि भाई ट्वेल्थ के बाद अगर आपने ट्वेल्थ में ये ले रखा है तो आपको ये करना चाहिए, आगे आपके पास ये स्कोप हैं, आपके पास ये फ्यूचर है, प्राइवेट में इतने ऑप्शंस हैं, सर गवर्नमेंट में इतने ऑप्शन है। मतलब ढेरों आपको जो है ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, ढेरों आपको जो है ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको LR0 और LR1 का फंडा समझ में आया, LR0 LR1 का फंडा समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, होमवर्क देती हूँ, देन जो है हम अपना जो बॉटम अप पार्सिंग है फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो आपके पास एक ग्रामर है CC और C से है आपको स्मॉल c, कैपिटल C और D। ठीक है, ये वाली ग्रामर का मैंने जो है आपको CLR बना के दिखाया था, CLR यानी कि LR1। ठीक है, तो इसमें टोटल स्टेट आपकी कितनी बनी थी 10, और मैं कहूँ LALR की स्टेट कितनी हो जाएंगी, LALR के देखो यहाँ पे जो आपकी 3 स्टेट मर्ज होंगी तो आपकी 7 जो है आपके LALR बनेगा। ठीक है, करके देख लेना एक बार। अब देखो आपको ढूंढना क्या है, आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है आपको, फाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन SLR। SLR में बताना है कि नंबर ऑफ स्टेट जो है वो कितनी होंगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सपोज नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन CLR इज इक्वल टू N। ठीक है, N1, LALR इज इक्वल टू N2 एंड SLR इज इक्वल टू N3। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन N1, N2 एंड N3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कई बार गेट के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये निकाल लेना एक बार, निकाल लेना। ठीक है, तो भाई मैं आपका जो है बता देती हूँ, जब आप इसको नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड करोगे तो SLR की जो स्टेट्स आएंगी वो भी आपकी क्या आएंगी, 7 ही आएंगी, करके देख लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, इसकी रिलेशन की बात करूँ तो N1 क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टेट CLR में कितनी आई 10, N1 हो जाएगा 10, LALR में कितनी आई 7, N3 यानी कि SLR में कितनी आई 7, यानी कि जो N1 है वो आपका बड़ा है किससे, N2 से, और N2 और N3 आपके क्या हैं बराबर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका रिलेशन यहाँ पर बनेगा। समझ में आया, समझ में आया भाई। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों जो है हम लुक अहेड निकालते हैं, LR0 और LR1 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, LR0 समझ में आ गया होगा, SLR समझ में आ गया होगा, CLR समझ में आ गया होगा और LALR समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कुछ टॉपिक और रहते हैं कंपाइलर डिज़ाइन के, कंपाइलर डिज़ाइन जो है काफ़ी एक तरीके का लेंथी नहीं बोल सकते, ये बस थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। एक तो आपने फर्स्ट एंड फॉलो की जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि जो आप फर्स्ट और फॉलो अच्छे से निकालना सीखें। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना आ जाता है तो जो है आप आराम से जो है सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, टॉप डाउन आराम से कर पाओगे। LL1 जो है टॉप डाउन में हमने क्या देखा था, टॉप डाउन में हमने LL1 देखा था। ठीक है, बॉटम अप में हमने क्या देखा, बॉटम अप में हमने देखा LR0, SLR, CLR और LALR। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सब आपका हो चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है, जो आपका पूरा जो एक तरीके की बोल सकते हो आप पार्सिंग वाला है ना, पार्सिंग में ही आपकी ये दोनों चीज़ें आती थी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट करके पूछ लेना। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिमेंटिक एनालिसिस, क्या करेंगे, सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे, और फिर जो है आपका इंटरमीडिएट कोड रह जाएगा, लास्ट रह जाएगा आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेशन। तो ये तीन टॉपिक और आपके रह गए हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है इन सभी को जो है बाइंड अप करें और ख़त्म करें, ठीक है। तो क्लास को करते हैं बाइंड अप। तो तक लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।